आप जानते हैं कि ये जो बाथरूम का जो निर्माण जो हुआ है, ये हमारे माननीय किश्तवाड़ के एमएलए जो है श्री सुनील शर्मा साहब जी ने जी अपने जी पर्सनल एफर्ट से अच्छा, यहाँ पे जो है ये बाथरूम जो है तैयार करवाएं। हम उनसे भी विनती करते हैं कि जो बचा खुचा जो काम है इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा से पूरा पूरा करें पूरा करें जी। और माता रानी आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बना अच्छा के रखें। अब हमने स्टार्ट किया इस काम को, और जितने भी लोग हमारे दक्षिण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो बंतलाब रहते हैं, चाहे वो कोट बलवार रहते हैं, चाहे चुनौर रहते हैं, चाहे जानीपुर रहते हैं, चाहे दुर्गानगर रहते हैं, छन्नी रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं, जीवल रहते हैं, सरस्वती विहार रहते हैं, तालाब तुलू रहते हैं, भगवती नगर रहते हैं, बेलेचाना जम्मू के रहते किसी हैं, भी हिस्से में जिस रहते हैं पूरे जम्मू के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर हमारे दक्षिण के लोग हैं, ये भावी मंदिर उन सब के सहयोग से बना है। और सभी मेरे दक्षिण के लोगों से विनती है कि इसे सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कीजिए, जो हम बाकी जगहों पर हम शेयर करने की कोशिश करें। अपने बच्चे को आशीर्वाद देने से हम अपने बच्चे की सेवाएं भी ले लेंगे और इनको अपना आशीर्वाद भी देंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मंदिरों के शहर जम्मू में। मैं दक्षिण वाला व्लॉगर फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी हम खड़े हैं चौथे ब्रिज पे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं श्री हुद माता मंदिर बेलीचराना में। नमस्कार दर्शकों, तो आज मैं आया हूँ श्री हुद माता मंदिर बेलीचराना में दर्शन करने और आपको भी माँ माई के दर्शन कराने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू में ये भव्य मंदिर हमारा बेलीचराना में है, तो हम सब इस मंदिर में पहले भी आए होंगे और कुछ जो है दर्शक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। तो हमने इस मंदिर के बारे में काफ़ी रोचक कथाएं सुनी है और मैं आप यही कोशिश करूंगा कि ये रोचक कथाएं आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस मंदिर का निर्माण हमने सुना है कि इसका जो पूरा जो है एक फाउंडर जो रहे हैं इस मंदिर के, वो मुंशी ठाकुर जी हैं। तो आज मैं इन्हीं रोचक कथाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यही नहीं, सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मुंशी ठाकुर जी है। आइए उनसे ही हम बातचीत करते हैं इस भव्य मंदिर के बारे में। मुंशी ठाकुर जी, जय माता दी। जय श्री उद माता दी। मुंशी ठाकुर जी, मैं काफ़ी दशकों से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपसे समय मांग रहा हूँ, तो फाइनली आज आपने हमें समय दिया। हमें ये पता है कि आप जो है हुद माता की जो छड़ी अभी आरंभ होने वाली है उसमें काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी इस सब के बीच में आपने हमें समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सुदेव जी। सबसे पहले खुशी की बात यह है कि आज तक हम लोगों को अप्रोच करना पड़ता था बाहर लोगों को कि आप कैप्चरिंग करो, आप हमारी जो तीर्थ स्थान जो हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करो। जम्मू बेस्ड लोगों को हमें एक ही चीज़ में मिली है कि आप हुद माता का जितना प्रचार बढ़ चढ़ कर सकते हो उतना प्रचार करो जी। मुंशी ठाकुर जी, पहले हम मंदिर के बारे में बात करेंगे। इतना भव्य मंदिर हमारे जम्मू में श्री हुद माता का है, बड़ी गर्व की बात हम महसूस करते हैं इसको। तो आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि कब से इस मंदिर का निर्माण शुरू किया है। मंदिर का निर्माण माता रानी करती है हमारी कोई औकात नहीं है कि हम मंदिर का निर्माण कर सकें। महामाई की कृपा रही हम पर, हमने आस्था जताई तो माता रानी ने अपना आशीर्वाद बना दिया। इस मंदिर का निर्माण देखिए, जब हमारी हुद माता की जो मीटिंगें जो हुआ करती थी, आप जानते होंगे कि मीटिंग पहले स्टार्ट हमारी मुबारक मंडी की पार्क में हुआ करती थी। पार्क में बैठने का मतलब यही होता था कि हमारे पास अपना स्थान कहीं पे भी नहीं था। जहां हम सम्मिलित होकर के अपने इलाके के बहबूद के लिए, अपने इलाके को अपलिफ्ट करने के लिए कोई चर्चा करें, कोई हेल्दी डिस्कशन करें, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं था। आप जानते हैं, उसके बाद हमने गीता भवन में
यहाँ पे इंदिरा चौक पार्क में जी जी, फिर भगवती नगर में, कई जगहों पे हमने जो है कोशिश की मीटिंगें करने की। आज महामाई की कृपा है, आज हमारे पास बुद्ध माता का अपना मंदिर है, अपना मंदिर, जहाँ बैठ करके हम अपने दक्षिण के भयबोध के लिए किसी भी चीज़ के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं जी। इस चीज़ से तो हम भलीभांति जानते हैं कि बड़े अलग अलग जगहों पे पहले हम मतलब माता रानी की वो जो मीटिंगें होती थी आयोजित करते थे, आज हम गर्व से हम इस मंदिर में आते हैं, अपना दक्षिण का मंदिर मतलब हम इसको मानते हैं, बड़े अपने श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं। तो ये मंदिर जो है इतना भव्य बना है यहाँ पे, कुछ इतनी आसानी से तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो हमने भी ऐसा सुना है कि आपने बड़ा सहयोग किया है इसके लिए, तो कितनी कठिनाइयाँ आई है इस मतलब हम दक्षिण से है और जम्मू में इतना भव्य मंदिर बनाना, कितनी कठिनाइयाँ का सामना किया होगा आपके और आपकी पूरी टीम ने? सुदेश जी, जब बच्चा पैदा होता है वो उसी दिन नौकरी नहीं लगता है, उसको स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ से सीखना पड़ता है, उसके बाद डिग्री जब हासिल करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। जी बिल्कुल, वैसा ही हमने भी किया है। हमने आस्था जताई थी माता के प्रति। ये जो स्थान आप देख रहे हो बेलचना, यहाँ पीढ़ी के रूप में विराजमान यहाँ पे पिंडियाँ थी जी जी। जो ज़मीन पर हमें भी लगा ये पिंडियाँ जो है जो ओपन एरिया में है, पूरे बेलचना में जो हम दक्षिण के लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं सभी ने मिल करके, ये जैसा कि आपने कहा कि आप इसके फाउंडर रहे हैं, फाउंडर हुदमाता रही है इनकी, मैंने एक प्रयास किया अपनी पूरी टीम के साथ, जितने भी लोग बेलचना में रहते हैं हमने स्टार्ट किया इस काम को, और जितने भी लोग हमारे दक्षिण के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे वो बंतलाब रहते हैं, चाहे वो कोट बलवा रहते हैं, चाहे चुनौर रहते हैं, चाहे जानीपुर रहते हैं, चाहे दुर्गानगर रहते हैं, छन्नी रहते हैं, गांधीनगर रहते हैं, जीवल रहते हैं, सरस्वती विहार रहते हैं, तालाब तुलू रहते हैं, भगवती नगर रहते हैं, बेलचना रहते हैं, किसी भी जिस में रहते पूरे जम्मू के क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर हमारे दक्षिण के लोग हैं, ये भावी मंदिर उन सब के सहयोग से बना है। और ये मंदिर जो है इसका श्रेय जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है, इसका श्रेय पूरे दक्षिण के लोगों को जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात आपको मैं ये बताऊं, जब हमने इसका निर्माण स्टार्ट किया बड़ी चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ा, लेकिन मेरा एक ज़िंदगी में एक स्टाइल है काम करने का कि जिस जगह पे चुनौती नहीं उस काम करने का मज़ा आता भी। तो मज़ा तब आता है जब आप कठिनाई उठाओ तो उस काम की वैल्यू समझ आती है कि ये कितना कठिन काम है। और कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है कि जो इंसान चाहे वो नहीं कर सकता, सिर्फ माता रानी की कृपा की जरूरत है। सबसे बड़ी खुशी की बात आपको मैं बताऊंगा और अचंभक करने वाली बात है जी जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर के बाद आपको दिखाऊंगा, इस मंदिर के साथ में एक नहर गुजर रही है जी जी, जो हमें दिख रही है। जब ये नहर बनी थी इसकी जब ओपनिंग होनी थी, अच्छा, गवर्नमेंट ने अपना शेड्यूल इसका एक इसकी डेट रखी थी कि हम इस डेट को इसको ओपन करेंगे। हमने पर्सनली भी कई बार उनको अप्रोच की कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, तो हमने निर्माण करना था मंदिर का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो अपना टाइम जो है हम उसी टाइम इस नहर को छोड़ेंगे, हम उसी टाइम पे इसको, तब तक ये नहर नहीं आई, नहीं शुरू होगी। और आपको माता रानी की अपार कृपा बताऊंगा मैं, जिस दिन हमने निर्माण यहाँ पे किया जी ऑटोमेटिकली नहर जो आ गई उस दिन, मतलब कि उनका जो समय था उससे पहले ही नहर आ गई। और नहर का जो पानी है ये माता के चरणों से निकल के ब्रह्म पर्वत से निकल कर के दूध गंगा से होते हुए प्रसन्ध्या माता का पानी इसमें मिक्स होता है, माँ के भवन का पानी मिक्स होता है, पूरे पानी जो चिनाब वैली के देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद जो है, पूरा जो निर्माण जो हुआ है माता रानी ने अपने निर्माण के लिए अपना ही जल इस्तेमाल किया। ये शक्ति है हमारी बुद्ध माता की। तो जब माँ ने यहाँ बसना था तो फिर गवर्नमेंट की कोई तारीख यहाँ पे मैटर नहीं करती है? देखिए, गवर्नमेंट के अपने काम होते हैं, आस्था से बढ़कर कुछ नहीं। जब आप तन मन और धन से आस्था जताते हो, निःशुल्क होकर आप कोई काम करते हो, माता रानी भी स्वयं देखती है अपने भक्तों को निस्वार्थ होकर अपना काम करते हैं, तब जा करके माता रानी ने हमें आशीर्वाद दिया। मुंशी जी, आपने इस्तेमाल किया एक वर्ड धन, तो कोई भी चीज़ कोई भी किसी भी कार्य का निर्माण करना तो धन की तो ज़रूरत पड़ती है,
कोई शक नहीं। तो किस तरीके से इतना जो है धन इकट्ठा हुआ और इतना भव्य मंदिर जो हमारे यहाँ बेली चराना में? देखिए सुदेश जी, जब हमने इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट किया, हमने ये सोचा था पहले कि हम 10-15 घर जो हैं दक्षिण के यहाँ पे हम लोग हैं, तो हम छोटा सा बनाएंगे इसको जी, बनाएंगे भुदमाता के नाम से ही, ताकि हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर देंगे। फिर दिमाग में एक दिन ऐसा आया, हम पूरे बेलचराना के लोग एकत्रित होकर चर्चा की कि उन्हें ऐसा किया जाए कि हम इसका एक बड़ा निर्माण की कोशिश करेंगे, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं, कोई माता का भगत तो इसको कंप्लीट करेगा। आप जानते हैं कि जिसका पलंथ जैसे लगा होगा तो उसका ऊपर का स्ट्रक्चर भी वैसे ही बनेगा। हाँ, बिल्कुल। तो हमने कोशिश की, हमें ये मालूम नहीं था कि हम कुछ महीनों में ही इस मंदिर को पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा। हमने सोचा था शायद कि अपनी लाइफ में हम इस पूरा मंदिर जो है नहीं बना, लेकिन माता की कृपा उन भक्तों पर रही, इतने भगत जनों ने सहयोग किया, तन से किया, मन से किया, धन से किया। हमने सिर्फ उनके तन मन धन से जो दिया हुआ सहयोग जो है, हमने उनको विश्वास दिलाने की कोशिश की, उनको भी विश्वास दिलाया कि जो सेवा उन्होंने निस्वार्थ होकर माता के चरणों में दी, आज आपके सामने उन भक्तों के दिए हुए सेवाओं का इतना बड़ा भव्य मंदिर जो जम्मू में नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पे हमारे किश्तवाड़ में एक और माता रानी है जो शक्तिशाली है, चंडी माता जी। जी, उस संस्था ने भी बहुत बड़ी अप्रोच की कि जम्मू में हमें कोई स्थान मिले। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें खुशी इस बात की नहीं है कि बेलचराना के लोगों ने निर्माण स्टार्ट किया यहाँ पे, हम दक्षिण के लोगों ने यहाँ निर्माण स्टार्ट किया। जी 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 जी। हमें खुशी इस बात की है कि हर इंसान अंत समय पे यही चाहता है कि मुझे भगवान के चरणों में जगह मिले। बिल्कुल। और इस माता रानी ने बेलचराना के लोगों को चुना, हम दक्षिण के लोगों को चुना इसका निर्माण करने के लिए, उसका लाख लाख कोटि कोटि नमन हम उस माता को करते हैं। और सबसे बड़ी आपको मैं बात बताऊंगा, जब हम गाँव से निकल करके शहर में आते हैं, हर इंसान चाहता है मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज करूं, और माता रानी की बहुत अपार कृपा हम दक्षिण के लोगों पर है, आज बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर हमारे लोग बैठे हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं हम किसी और जगह पे अप्रोच करने के लिए, हमारे सुख दुख जो है आपस में हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था कि जब हम लोग आते थे हमें कहीं किसी के घर बैठने की जगह नहीं मिलती, बिल्कुल, आज हमारे पास गाड़ियाँ, आज हमारे पास बंगला, ये सब महामाई की कृपा है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपको माता की तरफ। सर, यही चीज़ मैं भी आपसे सवाल करना चाहता था कि हमने भी ऐसे सुना है कि जो यहाँ की मूर्ति या यहाँ का कुछ है, अलग अलग लोगों ने डोनेशन किया है यहाँ। बिल्कुल सुधीर, तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से वो उन लोगों का नाम पता चले, किन किन लोगों ने यहाँ सेवाएँ दी है। सुधीर जी, जितने भी दक्षिण के लोग यहाँ पे जम्मू में, किसी भी इंसान ने सेवा देने में कोई कमी नहीं की है। जी जी। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जी जी जी। कि थोड़ा सा मैं आपके कैमरामैन से विनती करूँ, जैसे आप देखते हैं कि महामाई की जो मूर्ति है जी जी। ये हमारे दक्षिण के नौनिहाल जिनको माता रानी की अपार कृपा रही है, श्री मोती ठाकुर जी, ये आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी जी जी। देश के प्रति भी सेवा कर रहे हैं जी जी। समाज के प्रति भी सेवा कर रहे हैं और अपने सनातन के प्रति भी सेवा कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने जो निस्वार्थ सेवाएं जो देना चाहा, जो उन्होंने अपने मन में जो चीज़ें रखी थी, उन्होंने अपनी सेवा से माता की मूर्ति जो है माता के चरणों में भेंट किए। ये श्री मोती जी का हम लाख लाख शुक्रिया करते हैं। हम माता रानी से विनती करते हैं कि मोती जी का परिवार फले फले, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और आइंदा भी मोदी जी अपने सनातन के लिए ऐसे ही सेवा देते जाए। मोदी जी ने और भी कोई काम किए हैं, मैं आपको सब चीज़ों की तरफ अगर दिलाऊंगा तो। सर, जैसा हम ये मार्बल का ये देख रहे हैं पूरा, तो इसका भी हमने सुना है कि, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ दक्षिण के लोगों ने, माता के भक्तों ने कोई कमी नहीं की। जैसे आप ये मार्बल देख रहे हैं, पूरे मंदिर का जो मार्बल जो लगा हुआ है, जो सीढ़ी से लेकर के यहाँ तक, ये हमारे श्री धर्मचंद जी ठाकुर जो सेक्रेटरीट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये जनकपुर से जहाँ पे हम सिरसी भी कहते हैं, उनका बेसिक जो घर है जो है वो जनकपुर से है, लेकिन उनने अपना नए मकान का निर्माण जो है वो सिरसी में किया है। ये मार्बल की जो सेवाएँ जो है,
ये धर्मचंद जी ने माता के चरणों में भेंट की है। हम धर्मचंद जी का भी बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने माता के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पण की है। इसके साथ साथ एक और मेरा एक चीज़ रहेगा मुंशी जी आपसे कि हमारे कुछ जो मतलब दर्शक मान के चलो या कुछ मतलब हमारे माता के भक्त है जो दक्षिण में है जो कभी जम्मू में नहीं आ पाते हैं तो जो कि हम वो भी देखना चाहते हैं इस भव्य मंदिर को, तो हमारे माध्यम से अगर वो इस मंदिर को देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा दिखाइए पूरा मंदिर कितना हमारे पास यहाँ पे कैसा क्या है। सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि आज आप दक्षिण के नौनिहाल सुदेश परियार जी, धन्यवाद, माता रानी का आप पर सदा आशीर्वाद रहे कि आज आपने दक्षिण वाला ब्लॉगर जो है अपना यूट्यूब पे बनाया है, इसका मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद जी, बस आप ही का सहयोग चाहिए। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा भावी मंदिर की तरफ, जो आप देख रहे हैं जो माता का जो एक गुम्बद बना हुआ है, इस गुम्बद में 39,000 ईंट लगी हुई है। 39,000 13 टिप्पर जो है ईंटें जो लगी हैं, और मैं सबसे बड़ी बात आपको अचंभक करने वाली ये बताऊँगा, ये जितने भी ईंटें ऊपर चढ़ी है ये सब बेरेजना के सथाने की जो लेडीज़ हैं, जो माता मातृ शक्ति हैं, जी, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब उन्होंने एक मजदूरी के रूप में माता के चरणों में अपनी सेवाएं अर्पण की। मतलब आप कह रहे हैं कि जो दक्षिण के लोग यहाँ निवासी है बेली चराना में जी उन्होंने यहाँ पे खास करके मातृ शक्ति ने उन्होंने ये काम यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने अपना गृह कार्य अपने समय पे पूरा करके शाम के टाइम पर जितने भी ईंटें ऊपर चढ़ी हुई हैं, जितना भी ये भवन बना हुआ ऊपर, ये सब यहाँ की मातृ शक्ति ने ये सेवा दी है। मैं उन मातृ शक्तियों का तह दिल से जब तक मैं जीवित हूँ आभारी रहूँगा और माता रानी से विनती करूँगा कि उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। इसके साथ साथ मैं आपको आप हमें थोड़ा इस मंदिर के बारे में पूरा हमें दिखाइए, विजुअल पूरे दिखाइए ताकि जो भी हमारे दक्षिण के लोग हैं वो भी देखें कि हमारा जो भव्य मंदिर बेली चराना में है किस तरीके से दिखता है। अब आपको मैं संकट मोचन जी के दर्शन भी कराता हूँ। कहते संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ये संकट मोचन जी विराजमान है यहाँ पे। संकट मोचन जी की जो मूर्ति जो है ये धर्म जागरण के जो शिव रैना जी जो है जो पूरे जम्मू प्रांत को जो है वो देखभाल कार्यभार संभाला हुआ, ये उन्होंने भेंट किए है यहाँ पे। अच्छा। मूर्ति जो है उनके द्वारा यहाँ पे आई हुई है, इस समिति द्वारा, उद्माता समिति द्वारा जो है यहाँ का पूरा इसका जो मंदिर जो है इस समिति ने बनाया है। ये हनुमान जी की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित उन्होंने स्थापित कमेटी ने कराई है। ये मूर्ति जो है पूरे हवन हमारे जो अपने हिंदू शास्त्र के अनुसार जो है ये मूर्तियाँ जो है स्थापित हुई जी। इसके साथ साथ में मंदिर का प्रांगण जी, वही मैं देख रहा हूँ, ये प्रांगण जो है काफ़ी बड़ा दिखता है यहाँ। इतना बड़ा प्रांगण है यहाँ पे। इस प्रांगण में न सिर्फ के जागरण ही होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे हमारे दक्षिण के लोग, कई लोग हमारे दक्षिण के ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते हैं कि हम 2.5 लाख रुपया जो है बैंकेट साल का दें, यहाँ पे शादी हम भी स्टार्ट हो गई है। और मैं कहता हूँ किसी कितने किस्मत वाले वो लोग हैं जो माँ भवानी के चरणों में अपने बच्ची को अपने बेटे को आशीर्वाद यहाँ से मिले, इससे बड़ी खुशी की बात। और मैं दक्षिण के लोग सब लोगों से एक विनती करूँगा, जो हम लोग 2-2.5 लाख रुपये खर्चा करते हैं कहीं आगे पीछे, वो माता के प्रांगण को इस्तेमाल करें। जो सेवाएँ आप कहीं बाहर देते हैं अपनी मनोइच्छा जो सेवाएँ हैं, आपकी सेवाएँ जो हैं और भी जो डेवलपमेंट यहाँ पर होगी वो सब आप लोगों के सहयोग से ही होगी। जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा कोई भी समिति काम नहीं कर सकती। अगर हम कहते हैं कि कौन कहता है कि तू नज़र नहीं आता, एक तू ही नज़र आता जब कोई नज़र नहीं आता। तो हम बेरेजाना के लोग, हम दक्षिण के लोग अपने आप को सौभाग्य समझते हैं कि माता रानी ने, हमें खुशी इस बात की नहीं है कि हम दक्षिण के लोगों ने मंदिर बनाया जी, हमें खुशी इस बात की है हम कितने भाग्यशाली हैं कि माता ने हम जैसे लोगों को चुना अपना स्थान बनाने के लिए। हमारी कोई औकात नहीं है बहुत बड़ी कि हम माता का निर्माण कर सकें। जो कुछ माता रानी ने किया है या अपनी अपार कृपा से किया है, सब भक्तों ने मिलजुल कर यहाँ पे, किसी यहाँ का जो श्रेय जो है किसी एक आदमी को नहीं जाता। जैसे आपने कहा
कि आप यहाँ के फाउंडर रहे हैं, ये सच है कि मैंने एक शुरुआत की थी, लेकिन मैंने अकेले ने शुरुआत नहीं की थी, पूरी जो ब्रिज राणा की हमारी जो टीम यहाँ पे, हमने एक टीम वर्क किया है यहाँ पे। जब हमने शुरुआत की, फिर उस शुरुआत को हमने दक्षिण के भिन्न भिन्न क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन तक बहुत बात पहुँचाई, उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया, और उनके सहयोग के कारण आज हमारे पास अपना भव्य मंदिर जो है उद्माता का जो है, ये जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिवलिंगम की भी स्थापित हुई है, यहाँ पे स्थापना हुई है। जी जी जी। अभी मैंने आपके सामने चर्चा की थी श्री मोती जी के बारे में। जी 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 जी। और मैं ये बताऊं, ये शिवलिंग जो यहाँ पे स्थापित जो हुआ है, ये शिवलिंग भी भगवान शिव के चरणों में मोती जी की सेवा दी हुई है शिवलिंग। अच्छा, ये भी जो है मोती जी की? ये मोती जी ने ही, जो दिल्ली में सर्विस करते हैं, जी जी जी। ये उन्होंने अपने नेक कमाई से जी 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 जी। अपने शिव जी के चरणों में सेवाएं दी। हम भगवान शंकर से प्रार्थना कर देंगे मोती जी की हर मनोइच्छा जो है वो पूर्ण करे। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे वहाँ पे अभी हमने बाथरूम का जो है, यही चीज़ मेरा एक सवाल रहा था कि जो हमें ये इसी प्रांगण का जो एंड पे हमें जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, क्या इसी का हिस्सा ये भी है? बिल्कुल सुदेश जी, हमने बड़ी कोशिश की थी कि इस यात्रा को यहाँ पहुँचने से पहले इस बाथरूम को कम्प्लीट करें। जी जी। आप जानते हैं कि ये जो बाथरूम का जो निर्माण जो हुआ है, ये हमारे माननीय किश्तवाड़ के MLA जो हैं श्री सुनील शर्मा साहब जी ने अपने पर्सनल एफर्ट से यहाँ पे जो है ये बाथरूम जो है तैयार करवाएं। हम उनसे भी विनती करते हैं कि जो बचा खुचा जो काम है इसको भी जल्दी से पूरा करें और माता रानी आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए के रखें। आपको साथ में बताऊंगा, ये नंदी जी जो यहाँ पे विराजमान है, जी जी, ये नंदी जी जनकपुर से मनोज दुरानी जी, अच्छा मनोज दुरानी, जो मेरे बड़े भ्राता के बेटे भी हैं, जी जी जी, वो गीताराम जी के सुपुत्र हैं, जी 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 जी, ये उन्होंने अपनी नेक कमाई से जो है भगवान शंकर के चरणों में अपनी सेवा के रूप में जो है नंदी विराजमान करवाया। अच्छा, अच्छा। इसका जो स्ट्रक्चर जो बाकी जो है ये यहाँ की समिति ने, उद्माता कमेटी ने जो है ये तैयार किया है। देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर कूलर जो लगा हुआ है, इसके ऊपर टैंकी जो लगी हुई है, इसका स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ, ये श्री दिलीप ठाकुर जी जो शिक्षा निवासी हैं, उन्होंने अपने पर्सनल एफर्ट से ये जो है टैंकी जो है यहाँ पे स्थापित करवाई है। इसका पानी जो है न सिर्फ यहाँ मंदिर में आए हुए लोग, जितने भी भगत जन जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, वो यहाँ पे ठंडा पानी जो है उनको दस्तियाब हुआ। इसका सारा श्रेय जो है दिलीप ठाकुर जी को जाता है। इसके साथ में आपको बताऊँ, आप दीवार की तरफ थोड़ा सा दिखाइए, इतनी लंबी दीवार जो है, ये माता की 350 फुट जो दीवार जो है, ये दीवार भी श्री दिलीप ठाकुर जी ने अपने पर्सनल एफर्ट से की है। हम माता रानी से विनती करते हैं कि दिलीप जी का परिवार सदा सुखी रहे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे माता रानी, हर मनोइच्छा पूर्ण उनकी हो। हम दिलीप जी से आगे के लिए भी यही आशा करेंगे कि दिलीप जी अपनी सेवाएं जो है कंटिन्यू रखें, माता रानी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। उसके साथ साथ आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो माता के भजन सुबह शाम जो यहाँ पे माता का गुणगान जो होता है, आरती जो होती है यहाँ पे, ये हमारे श्री बंसी जी जो जनकपुर से हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये सब उन्होंने माता के चरणों में अपना पूरा म्यूज़िक जो है बैंड किया है। बाकी जितनी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सभी माता के भक्तों ने यहाँ माता के चरण, श्री मंगत राम परिहार जी ने यहाँ पे, जितने भी कारपेट्स हैं यहाँ पे, जितने दरिया हैं, जो बड़े बड़े कारपेट यहाँ पे जिसमें हम मीटिंगें करते हैं, ये सब श्री मंगत राम परिहार जी की देन है, उन्होंने यहाँ पे दिया। उनका परिवार भी फले फूले, दिन दुगनी रात चुगनी तरीके रहे। जैसा कि आप मुंशी ठाकुर जी को अभी तक सुन रहे थे, पूरे मंदिर की हिस्ट्री उन्होंने बताई, कब से हमने निर्माण शुरू किया और कब तक कितनी कठिनाइयां आई, ये सारा आपने सुना। एक चीज़ मैं इनसे और एक सवाल करूंगा, अभी तो हम बाहर प्रांगण में खड़े थे, अब मैं इनको अंदर स्पेशली फिर दोबारा लेके आया। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, मुझे तो कहीं की याद आ गई, तो मैंने इनको स्पेशल वो चीज़
मुझे ये याद जो मुझे आ रही है, कहाँ का मुझे फील आ रहा है ये मुंशी जी? सुदेव जी, पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जिस जो मंदिर का निर्माण जो हुआ है, इसमें जो कलाकार जो हैं, जिन कलाकारों ने अपनी कलाकारी यहाँ पे शो की है, ये स्पेशल कलाकार जो हैं, एक्सपर्ट हैं मंदिर बनाने वाले। जी, 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 जी। ये उड़ीसा से हमने लाए हुए हैं। उन लोगों का यहाँ पे रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनका जो खर्चा जो यहाँ पे आया, वो सब बेलीचराना के लोगों ने यहाँ पे किया। उसके साथ साथ मैं बताऊँगा आपको, जैसे आप उद्माता दरबार जाते हैं, जी, जी, जी। जो हमारा वहाँ प्राचीन जो मंदिर उद्माता का जो वहाँ पे साक्षात है, जो साक्षात उसका जो भवन है, गुमत जिसको बोलते हैं, गुमत जो है, हमने कोशिश की है कि सेम वैसा ही गुमत यहाँ पे देने की कोशिश करें। मुझे किसी की याद आ रही है कि मतलब ये सेम टू सेम डिटो वैसा है। वही कोशिश हमने की है कि लोग जब आए तो इनको ऐसा लगना चाहे कि हम यहाँ पे भी वही माता का दरबार है, जो दरबार वहाँ पे है, और मेरी आपके माध्यम से पूरे समस्त देशवासियों से, सभी सनातन धर्म के लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि एक बार अपने जीवन में उद्माता का दर्शन करने जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, वहाँ की ब्यूटिफिकेशन का आप आनंद लें, वहाँ के कल्चर का आप वहाँ आनंद लें। जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो त्रिसंध्या माता का जो वहाँ पे दृश्य है, प्राचीन काल की पुस्तकों में भी उसका वर्णन लिया गया है। जी बिल्कुल, कि ये एक अचंभक होने वाली बात है कि जो पानी जो है ऊंचे पर्वत से एक जलधारा के रूप में जब नीचे अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद, एक क्षण में वो पानी जो है भक्तों को दर्शन करने के बाद वो एकदम से सूख जाता है। कभी ऐसा महसूस होता ही नहीं है कि कभी इस नाले में कभी पानी भी आया हो। ये एक ऐसे दर्शन है जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं। सुदेश परियार जी, मैं यही कहूँगा कि आपका जो दक्षिण वाला ब्लॉगर जो है, ये इतना फले फूले कि ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ही मशहूर हो, और सभी मेरे दक्षिण के लोगों से विनती है कि इसे सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कीजिए, जो हम बाकी जगहों पर हम शेयर करने की कोशिश करें। अपने बच्चे को आशीर्वाद देने से हम अपने बच्चे की सेवाएँ भी ले लेंगे और इनको अपना आशीर्वाद भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से आज हमारी आवाज़, आज हमारी रियल स्टोरी जो है अगर भगत जनों तक पहुंचेगी, इसका तहे दिल से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। माता रानी आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, साथ साथ में आपके कैमरामैन जी जो हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखते रहिए दक्षिण वाला व्लॉगर।